हाय गाइस, आज मैं आपको अल्फ़ा वन का फूड कोर्ट का टूर करवाने वाली हूँ जो कि थर्ड फ्लोर पर है। यहाँ बहुत वैरायटी मिलेगी खाने के लिए आपको, मतलब इतनी सारी वैरायटी की शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। पंजाबी, साउथ इंडियन, गुजराती, इवन स्ट्रीट फूड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले पे इतनी वैरायटी आपको दिखेगी कि आपकी क्रेविंग ऑलरेडी बढ़ जाएगी, अगर आपको भूख भी नहीं होगी तो भी आपका खाने को मन करेगा। अल्फ़ा वन मॉल का फूड कोर्ट बहुत स्पेशियस है, मतलब कि कहाँ बैठ के खाएं बैठकर ये इसका टेंशन तो लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा सेटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे। हक्का नूडल्स बढ़िया, चाय चाय अदरक पुदीने वाली चाय है, चाय हांडवा, चाय मुठिया, चाय मस्काबन, चाय थेपला। चाय के साथ क्या क्या? चाय हांडवा है, चाय मुठिया है, चाय मस्काबन, चाय थेपला। तो ओनली चाय ले लो ना, तो चाय को खा नहीं सकेंगे ना कुछ साथ। राजस्थान से ही है, थेपला विद सूखी भाजी, क्लासिक वेज हांडवा, मसाला खिचड़ी, तो पापड़। और ये क्या है, खम्मन चाट है क्या? ये वरदान है, वरदान। ये शक्ल मिल रही है, ये समोसा दो। राहुल, राहुल, अमृतसरी में आए हैं एक्सप्रेस, यहाँ पर हमें वेजीज, कुरकुरे मोमोज, मिक्स मोमोज, चिल्ड्रन नूडल्स, मैक्सिकन चाइनीज मिक्स कॉम्बो, और ये कॉम्बो फाइव डिशेस का वो वन मोर कॉम्बो, और मोमो सिसलर, और चाइनीज सिसलर, और ये मैक्सिकन सिसलर विद कोक। ये इनका मेन्यू कार्ड, नेक्स्ट हम पहुँचे कैफ़े बॉलीवुड फूड कोर्ट। यहाँ पे डिस्प्ले पे बहुत सारी वैरायटी लगी थी, और उसके साथ साथ डिशेस के साथ साथ उनके नाम भी ऑलरेडी मेंशन थे वहाँ पे। मिक्स वेज ये सुबह ही से बना के डिस्प्ले पे लगा देते हैं, और उसके बाद जब ख़त्म होते हैं पूरे दिन, उसके बाद ये इसे डस्टबिन में डाल देते हैं और रोज़ फ्रेश बनाते हैं। बना के दूंगा सर। जिस भी स्टॉल पे आप अपना फूड ऑर्डर देंगे वो आपको एक टोकन नंबर देंगे, जैसे कि हमने मंचूरियन ऑर्डर किया था तो हमारा टोकन नंबर था 52, और थोड़ा वेट करना पड़ा फिर। क्या? अच्छा, ये अलग अलग। तो अब हमारे आ गए हैं मोमोज के, मोमोज है, बॉयल मोमोज है, फ्राइड मोमोज है खाने के लिए। मॉल में आपको एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल भी मिलेगा। अरे भैया, आपका थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अंदर कर रहे हैं। तो अब आ गए हम अल्फ़ा वन मॉल के बाहर, ये उसके बाहर का एरिया है।
तो अराउंड 6:30 के बाद हम मॉल से बाहर आ गए थे बिकॉज शाम हो गई थी, और 6-7 बजे के बाद अहमदाबाद पे आपको स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। यू विल स्टक इन ट्रैफिक, एक एक घंटा भी आपको लग सकता है ट्रैफिक में, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर आपको रास्ता मिलने के लिए।